हेलो स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, इस वीडियो से पहले हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट इंटीग्रल पे काम किया हुआ था और आज हम लोग इस इंटीग्रल पे काम करेंगे। इस पे क्या लिखा हुआ है कि dx, ये जो इस फॉर्मेट में दिया हुआ, इससे पहले जो लास्ट जो लेक्चर का जो वीडियो था उसको मैं भी आप लोग जो है एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। वहाँ पर क्या दिया हुआ था कि अगर कोई भी क्वेश्चन दिया है, इंटीग्रल दिया है जिसमें लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वन और अपान में एक्स फोर प्लस के एक्स स्क्वायर एंड प्लस समथिंग लाइक दिस, कुछ भी लिखा हुआ हो यहाँ पे, चाहे वन लिखा हो चाहे माइनस वन लिखा हुआ हो, और ये डीएक्स था। तो जब इस तरीके से जो एक क्वेश्चन था, इस कॉन्सेप्ट पे जब एक क्वेश्चन था, उसको हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया हुआ था, इस पूरे जो ए इंटीग्रल दिया यहाँ पे क्या करते थे हम लोग, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते थे। क्या करते थे? एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते थे। अब यहाँ पे एक फॉर्मेट ये है, लेकिन ये क्या था, ये जो वैल्यू थी ये रूट में नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पे ये जो वैल्यू आ गई है, ये क्या है, ये रूट में वैल्यू आ गई है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में इस तरह के जब क्वेश्चन होंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि जो ये जो रूट में क्वेश्चन दिया, ये जो रूट में जो वैल्यू दी हुई है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद इसमें से जो एक एक्स की जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या हो जाएगी, वो क्या है, एक होल स्क्वायर में, कंप्लीट स्क्वायर में जो है कन्वर्ट हो जाएगी, और आगे का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो भी एक क्या है, एक सेल्फ ऑटोनॉमस रूप में क्या है, वो भी एक स्क्वायर में हो जाएगा। तो करके देखते हैं, थोड़ा सा ट्राई करते हैं हम लोग आगे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि इस जो रूट में जो वैल्यू है, जैसे कि कुछ भी लिखा हुआ हो, ये इसको क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से x प्लस a का होल स्क्वायर समथिंग लाइक दिस, ये b स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से। कुछ भी ये क्या है, एक पोर्शन क्या है, स्क्वायर में हो जाएगा, ये भी क्या है, स्क्वायर में हो जाएगी। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इंटीग्रल कितना हो जाएगा, इंटीग्रल dx अपॉन, अब यहाँ पे करते क्या है, पर 2x लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा, 2x लिखा, एंड वी नो दैट मींस x माइनस फोर, यहाँ पे अगर 2 लिखें तो कितना हो जाएगा, x माइनस टू, तो यहाँ पे x माइनस टू नहीं होगा, कितना हो जाएगा, x माइनस वन का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये x स्क्वायर और ये माइनस का 2x एंड प्लस का 1। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पे करेंगे क्या, इस फोर को अगर हम कुछ इसको अरेंज करना चाहें तो कितना ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1, और कितना लिखेंगे, प्लस का 1, और ये कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, प्लस का 1 किया, यानी मीन्स हमने 1 को ऐड किया एंड 1 को सब्ट्रैक्ट किया, जो 5 लिखा उसको लिख दिया। नेक्स्ट इसके आगे कितना होगा, dx अपान कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर रूट में ही एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, तो ये होगा कितना, ये यहां से यहां तक क्या है, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, क्या है, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, एंड इसको सही से लिख देते हैं, और यहां पे कितना हो जाएगा, ये माइनस ये वन एंड प्लस फाइव, कितना हो जाएगा, प्लस का फोर स्क्वायर, प्लस का फोर हो जाएगा। ओके, तो इसके आगे हम लोग कितना ले सकते हैं, इंप्लाइज दैट इंटीग्रल डी एक्स अपान कितना, कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एंड प्लस का टू स्क्वायर, कितना हो जाएगा, प्लस का फोर मीन्स कितना, टू स्क्वायर, एंड ये अगर इतना आ जाएगा, इतना अगर आ जाएगा तो वी नो दैट एंड वैल्यू ऑफ इंटीग्रल डी एक्स अपान कितना, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होगी, लॉग ऑफ कितनी, एक्स एक्स प्लस कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगी। इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी होगी, ये हो जाएगी। उसी के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा लॉग ऑफ कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ ये एक्स जगह पे कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्स जगह पे कितना लिखा हुआ है, एक्स माइनस वन, तो कितना हो जाएगा, ये एक्स माइनस वन एंड प्लस इंटीग्रल सॉरी रूट में एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एंड प्लस फोर, ये आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर, ये आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरीके से बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो है, इसको इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन है, उसको हम लोग करते हैं, इसको तो तक आप लोग जो है राइट डाउन कर लीजिए।
क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, क्वेश्चन क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटीग्रल डीएक्स अपॉन फोर प्लस कितना है, फोर प्लस एट एक्स एंड फाइव एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है फाइव एक्स, इसको जरा ध्यान से नोट कीजिएगा, ये क्वेश्चन दिया और रूट में लिखा हुआ है, इसमें है ये वैल्यू पूरी पूरी रूट में है, इसमें है रूट में। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग पहले इस अंदर की वैल्यू को सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे अंदर की वैल्यू को सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लोग बाहर लिख लेते हैं, कितना है फोर प्लस एट एक्स माइनस का पांच एक्स स्क्वायर। सबसे पहले एक्स स्क्वायर को किसी भी कोफिशियंट से क्या करते हैं, फ्री करते हैं, फ्री करेंगे कितना आ जाएगा, पांच कॉमन करेंगे और इस माइनस को भी कॉमन कर लेंगे, पॉजिटिव कर देते हैं उसको, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एट बाई फाइव एक्स एंड माइनस फोर, ये आ जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, पांच से कॉमन किया इसको, ये हो गया एक्स स्क्वायर, माइनस भी किया, ये प्लस में था, ये प्लस में था, दोनों निगेटिव हो जाएंगे। अब इसके आगे इसको हमने क्या किया, ब्रैकेट से क्लोज कर दिया। अब यहां पर क्या करेंगे, इसको भी हम वही a माइनस बी ए प्लस बी एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस सी कुछ भी करके इसको क्या करना है, हमको होल स्क्वायर एक टर्म बनाना है। तो अब मान लेते हैं ये क्या लिखा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर पता नहीं है, ये क्या है टू ए बी है x के रूप में, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस टू क्या होगा टू ए बी, ये अगर ए स्क्वायर तो ये क्या है टू ए बी, तो इसकी वैल्यू कहां से आएगी जरा समझते हैं। तो ये लिखा हुआ टू ए बी यानी कि आठ बटे पांच एक्स की वैल्यू किसके बराबर, टू ए, ए क्या है x, कि हमें पता नहीं है, तो दो चौको आठ एक्स से एक्स कैंसिल, तो b की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, बीस बटे सो सिंपल चार बटे पांच, तो मैं ये पता चल गया कि b की वैल्यू चार बटे पांच है, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, चार चौक सोलह बटे पच्चीस, तो इस वैल्यू को क्या कर देंगे हम, चार बटे पांच का होल स्क्वायर करेंगे और ये आ जाएगा सोलह बटे पच्चीस, इसी को हम लोग जोड़ देंगे घटा देंगे, क्या करेंगे जोड़ देंगे घटा देंगे, जरा देखते हैं इसको समझ लिया ना। ओके, तो इसकी जो वैल्यू है माइनस पांच, इसको क्या कर देंगे हम बाहर रख देंगे। अब यहां पे कितना लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस का आठ बटे पांच एक्स, कितना हमने जो है चार चौक सोलह, तो यहां पे फिलहाल प्लस की बात आएगी, तो कितना हो जाएगा सोलह बटे पच्चीस, हमने क्या किया जोड़ा और सोलह बटे पच्चीस को क्या किया हमने घटा दिया, और ये कितना है यहां पर जरा चार बटे पांच लिख लेना ना, यहाँ पे चार बटे पांच, जब पांच कॉमन किया तो यहां पर भी बटे आ जाएगा, यहां पर भी बटे आ जाएगा, ये कितना लिखा है, ये है चार बटे, एक मिनट, हाँ ठीक है, ये है चार बटे पांच, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक एक स्टेप देखना। अब यहां से यहां तक ये होल स्क्वायर हो गया, तो कितना हो गया माइनस का पांच बाहर, और ये जरा ध्यान देना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस है, तो कितना हो जाएगा एक्स माइनस चार बटे पांच का होल स्क्वायर। अब जरा इसको ध्यान से देखना, अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, पांच से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा पांच चौका बीस और सोलह बीस छत्तीस, तो ये हो जाएगा माइनस का थर्टी सिक्स बटे कितना हो जाएगा ट्वेंटी फाइव। ओके, इसको जो है इसको अगर हम लोग एक और लास्ट स्टेप में लिखें तो माइनस का कितना पांच और ये एक्स माइनस फोर बाई फाइव, ये हो जाएगा कितना होल स्क्वायर, माइनस का ये कितना हो जाएगा सिक्स बाई फाइव, ये होल स्क्वायर। ओके, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जरा यहां पे आते, इसकी जगह पे कहने मतलब ये है कि इसकी जगह पे इसको हम रख सकते हैं, तो यहां पे क्या करेंगे थोड़ा सा चेंजेस और कर दें, जैसे कितना कर दें सिक्स बाई फाइव को पहले लिख दें,
माइनस जो है अंदर पुट अप कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा इसको अगर देखें तो ये हो जाएगा कितना, पांच को बाहर रखते हैं, पांच को बाहर रखते हैं, ये हो जाएगा कितना 6/5 का होल स्क्वायर एंड माइनस एक्स माइनस 4/5 का होल स्क्वायर। ओके, अब यहां पे टी कंसीडर कर, अब टी कंसीडर कर लेते हैं। सबसे पहले इसको यहां पे हम पुट अप करते हैं, तो इसको हम लोग पुट अप करेंगे तो क्या हो जाएगा इसकी जगह पे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल और डीएक्स अपॉन, ये रूट के अंदर ही पांच है तो इस, तो इसको पहले ऐसे लिख दें, ये क्या हो जाएगा पांच और ये इस तरीके से ब्रैकेट लगा देते हैं 6/5 का होल स्क्वायर एंड माइनस एक्स माइनस 4/5 का होल स्क्वायर। अब इस पांच को बाहर लाते हैं तो कितना हो जाएगा 1/√5 और ये डी एक्स अपान ये रूट के अंदर 6/5 का होल स्क्वायर एंड माइनस एक्स माइनस 4/5 का होल स्क्वायर। यार बच्चों ध्यान से देखना, इसको क्या करेंगे हम लोग, टी कंसीडर कर लेंगे तो यहाँ पे इसको लिख देंगे कि एक्स माइनस 4/5 इजल टू टी, तो कितना हो जाएगा डी एक्स इजल टू डी टी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको क्या करेंगे हम लोग 1/√5 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सारे स्टेप क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत इजीली क्या है स्टेप टू स्टेप प्रोसीड हो रहा है। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, ये हो जाएगा इंटीग्रल, ये हो जाएगा कितना डी टी अपॉन रूट के अंदर 6/5 का होल स्क्वायर एंड माइनस का टी स्क्वायर एक और जो है एक और फार्मूले को हम लोग रिमाइंड करते हैं, किस फार्मूले को रिमाइंड करते हैं, इंटीग्रल डी एक्स अपान रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है साइन इनवर्स एक्स अपान ए, क्या होता है साइन इनवर्स एक्स अपान ए। तो यहां से जो वैल्यू आएगी 1/√5 इंटू 1/√5 इंटू कितना हो जाएगा साइन इनवर्स टी अपान ए, तो ए की वैल्यू कितनी है 6/5, क्या है 6/5। तो इसको हम लोग अगर नई लाइन से लिखते हैं तो ये हो जाएगा कितना 1/√5 साइन इनवर्स, ये 5 ऊपर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 5t/6 एंड सी। ओके, अब इसी को हम लोग यहां पे लिख देते हैं नेक्स्ट स्टेप में, रिक्वायर्ड टी की वैल्यू पुट अप कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 1/√5 साइन इनवर्स, कितना हो जाएगा 5 और टी की वैल्यू कितनी थी हम लोगों की एक्स माइनस 4/5/6 एंड प्लस सी। ये क्या है रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ये क्या है रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को लगाने के लिए दे देता हूं जिसको आप लोग ट्राई करते रहना और ना है तो उसको जो है बाद में बताना, तो मैं उसको सॉल्व करवा दूंगा। क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, इंटीग्रल अलोंग डी एक्स अपॉन रूट में 4 - x, 4x² - x एंड +4। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ओके स्टूडेंट, प्यारे बच्चों ये सारे सवाल लगाना और जो बताया है कॉन्सेप्ट उसको बार बार सुनना, देखना, अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसको पूछना कमेंट बॉक्स में, जो भी डाउट हो उसको जो है लिखना, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।